तो दोस्तों वीडियो की शुरुआत में ही मैं बता दूं कि ना तो Y56 पूरी तरह से K10 को बीट करता है, ना K10 Y56 को। कहीं Y56 बेहतर है, कहीं है K10 बेहतर। तो कौन सा डिवाइस कहाँ बेहतर है, यही जानने के लिए वीडियो आगे देखिए। सबसे पहले प्राइसिंग की बात करें तो Y56 का 8 GB रैम 128 GB इंटरनल मेमोरी वाला वर्जन आता है ₹20,000 का। सेम वेरियंट ओप्पो K10 का मिलेगा आपको ₹17,000 का, यानी कि ₹3,000 ओप्पो K10 सस्ता है। अब बात करते हैं दोनों ही डिवाइसेस के डिज़ाइन के बारे में। तो डिज़ाइन की बात करें तो कुछ ये डिज़ाइन आपको यहाँ देखने को मिलता है। बैक पर दोनों में ही आपको मिलता है रफ फिनिश, कैमरा शेप आज के ट्रेंड को फॉलो करता है। अब दोनों ही डिवाइसेस के अगर बैक पैनल को देखें तो Y56 पर आपके फिंगरप्रिंट वगैरह जल्दी बन सकते हैं, जबकि K10 पर फिंगरप्रिंट वगैरह नहीं बनते। इसके अलावा दोनों में ही आपको टाइप सी पोर्ट, 3.5 mm का हेडफोन जैक देखने को मिल जाता है। दोनों ही डिवाइसेस साइड फिंगरप्रिंट स्कैनर के साथ आते हैं। ओवरऑल डिज़ाइन के मामले में दोनों ही आज के ट्रेंड को फॉलो करते हैं और मुझे दोनों ही काफ़ी प्रीमियम फील हुए। डिमेंशन की बात करें तो वो भी दोनों का काफ़ी कॉम्पैक्ट है। दोनों ही डिवाइसेस को आप बड़े आराम से सिंगल हैंड से भी यूज कर सकते हो। और अगर दोनों डिवाइसेस के डिज़ाइन को कंपेयर करें तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। शेप देखें तो दोनों का ही लगभग सेम, एक जैसा ही शेप देखने को मिलता है। ओवरऑल डिज़ाइन के मामले में दोनों ही यहाँ काफ़ी कमाल के हैं। डिस्प्ले की बात करें तो Y56 में आपको मिलता है 6.58 इंच का फुल HD प्लस IPS डिस्प्ले, K10 में आपको मिलता है 6.56 इंच का HD प्लस IPS डिस्प्ले। अब रिजोल्यूशन का यहाँ फ़र्क देखने को मिलेगा, दोनों में ही आपको IPS डिस्प्ले देखने को मिलता है। तो कलर्स आप यहाँ स्क्रीन पर देख ही सकते हो, लगभग सेम ही कलर देखने को मिलते हैं, कोई भी बहुत बड़ा डिफरेंस यहाँ नहीं है। बट रिजोल्यूशन अच्छा होने की वजह से, PPI हाई होने की वजह से Y56 में आपको थोड़ी सी डिटेल्स या फिर कहें शार्पनेस ज़्यादा बेहतर देखने को मिलेगी एज कम्पेयर टू K10। इसके अलावा अगर ब्राइटनेस की बात करें तो वो भी Y56 के डिस्प्ले का ज़्यादा बेहतर है ओप्पो K10 के कंपैरिजन में। UI फीचर्स की बात करें तो K10 में आपको मिलता है कलर OS, Y56 में आपको मिलता है फ्रंट टच OS। अब पर्सनली मुझे यहाँ लुक एंड फील के मामले में कलर OS ज़्यादा बेहतर लगता है फ्रंट टच OS से, बाकी का ये आपके ओपिनियन पर भी डिपेंड कर सकता है। दोनों ही डिवाइसेज आज के ट्रेंड को फॉलो करते हैं, मतलब सिंगल पेज UI। लेकिन कन्वीनियंस के मामले में अगेन मैं बोलना चाहूँगा कि कलर OS मुझे ज़्यादा बेहतर लगा डिज़ाइन लुक वाइज। ओवरऑल K10 मुझे ज़्यादा बेहतर लगा UI फीचर्स के मामले में। बाकी का फीचर्स की बात करें तो सिक्योरिटी के लिए दोनों ही डिवाइसेस में आपको साइड फिंगरप्रिंट स्कैनर, फेस अनलॉकिंग सिस्टम देखने को मिल जाता है। K10 में ये हैं कुछ स्पेशल फीचर्स, तो उसी से मिलते जुलते फीचर्स आपको जैसे कि अल्ट्रा गेम मोड, इसके अलावा मल्टीपल यूजर्स, इसके अलावा फ़ोन क्लोन जैसे फीचर्स आपको Y56 में भी देखने को मिल जाते हैं। ओवरऑल फीचर्स के मामले में दोनों ही डिवाइसेज आज के ट्रेंड को पूरी तरह से फॉलो करते हैं। कैमरे की बात करें तो दोनों में ही रियर पर आपको मिलता है डुअल रियर कैमरा सेटअप। Y56 में प्राइमरी कैमरा दिया गया 50 MP का, अपर्चर साइज है 1.8, तो K10 में रियर पर प्राइमरी कैमरा दिया गया 48 MP का, अपर्चर साइज है 1.7। दोनों में ही दूसरा लेंस 2 MP का डेप्थ सेंसर दिया है। Y56 में फ्रंट कैमरा मिलता है आपको 16 MP का, जिसका अपर्चर साइज है 2.0, तो K10 में आपको मिलता है 8 MP का फ्रंट कैमरा, अपर्चर साइज इसका भी है 2.0। कैमरा फीचर्स की बात करें तो दोनों में ही आपको पोर्ट्रेट मोड देखने को मिल जाता है रियर और फ्रंट दोनों के लिए। नाइट मोड भी आपको दोनों में देखने को मिल जाएगा। ये कुछ है एक्स्ट्रा फीचर्स, प्रो पैनोरमा मोड, इसके अलावा स्लो मोशन। वीडियो रिकॉर्डिंग की बात करें तो दोनों ही डिवाइसेस से आप फुल HD तक का वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो। K10 में आपको 30 FPS का सपोर्ट देखने को मिलता है, तो Y56 में 60 FPS का। कैमरा परफॉर्मेंस की बात करें तो उसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बनाया है, वीवो Y56 वर्सेज ओप्पो K10 कैमरा कंपैरिजन। डिटेल में जानने के लिए आप उस वीडियो को देख सकते हो। इन शॉर्ट बात करें तो रियर कैमरे के ऑटो मोड पर आपको डिटेलिंग Y56 के फोटोज़ में ज़्यादा बेहतर देखने को मिलेगी एज कम्पेयर टू ओप्पो K10। बट ओप्पो K10 के फोटोज़ में आपको कलर्स ज़्यादा पंची देखने को मिलते हैं, और इसी वजह से अगर फर्स्ट इंप्रेशन में आप दोनों फोटो देखते हो तो K10 के फोटोज़ ज़्यादा बेहतर नज़र आ सकते हैं। फ्रंट कैमरे में भी मुझे ओप्पो K10 ज़्यादा बेहतर लगा, हालांकि डिटेलिंग के मामले में यहाँ भी वीवो Y56 बेहतर था। लो लाइट और नाइट मोड के मामले में Y56 मुझे ज़्यादा बेहतर लगा। इसके अलावा 60 FPS का सपोर्ट होने की वजह से वीडियो रिकॉर्डिंग में भी Y56 बेहतर है। हार्डवेयर की बात करें तो वीवो Y56 में आपको मिलता है Dimensity 700 प्रोसेसर, ओप्पो K10 में आपको मिलता है Dimensity का 810 प्रोसेसर। अब यहाँ पर बहुत बड़ा डिफरेंस देखने को नहीं मिलता। N22 बेंचमार्क स्कोर्स की बात करें तो वो भी लगभग सेम देखने को मिलते हैं। गेमिंग परफॉर्मेंस की बात करें तो दोनों ही डिवाइसेस पर आप मीडियम ग्राफिक्स तक के गेम्स बिना किसी इशू के प्ले कर सकते हो। हाई ग्राफिक्स गेमिंग में आपको दोनों में ही इशू देखने को मिलेंगे। कॉमन यूज़ में थोड़ा सा ओप्पो K10 या फिर कहें Dimensity 810 बेहतर है Y56 के कंपैरिजन में, लेकिन वो बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है। कॉमन यूज़ में Y56 इंडिविजुअली काफ़ी कमाल का परफॉर्म करता है। ओवरऑल हार्डवेयर में भी कोई बहुत बड़ा कन्फ्यूजन नहीं है।
बैटरी की बात करें तो दोनों ही डिवाइसेज में आपको मिलती है 5000 mAh की बैटरी। Y56 में आपको मिलता है 18W चार्जिंग का सपोर्ट, ओप्पो K10 में आपको मिलता है 33W चार्जिंग का सपोर्ट। तो दोस्तों यही था मेरा Vivo Y56 और Oppo K10 के बीच एक ओवरऑल फुल कंपैरिजन। जैसा कि मैंने वीडियो की शुरुआत में बताया था, पूरी तरह से ना तो Y56 K10 को बीट करता है ना K10 Y56 को। 3000 रुपये सस्ता है K10, तो अगर वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट आप पूछते हो तो उस कंडीशन में K10 ज़्यादा बेहतर रहेगा, लेकिन अगर नीड के हिसाब से देखें तो बहुत जगह पर Y56 भी K10 को बीट करता है। तो अपने यूज के अकॉर्डिंग आप यहाँ से खुद डिसाइड करिए कि आपके लिए कौन सा डिवाइस ज़्यादा बेहतर है। तो दोस्तों मुझे मेरी वीडियो आपको पसंद आया होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब। मेरा नाम है धर्मेश, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, आपका दिन शुभ हो।